हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम इस ब्यूटीफुल से दो सिलाई में बनने वाले निटिंग पैटर्न को बनाएंगे जो कि बहुत ही उभर के आने वाला डिज़ाइन है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी डिज़ाइन है। आप ऑल प्रोजेक्ट पे इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो। केवल दो सिलाई में बनता है और डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे हमने 5 के मल्टीपल पे लेने हैं, यानी कि 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 करके लास्ट में 4 फंदे हमने और ऐड इस पे कर देने हैं। देखिए, इसका ब्यूटीफुल सा राइट साइड है और ये है इसकी बैक साइड। तो चलो बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 19 फंदे, 5 5 फंदे मैंने यहाँ पे 3 बार लिए हैं, यानी कि 15 फंदे मैंने डिज़ाइन के लिए लिए हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा डले हैं, तो टोटल ये 19 फंदे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, केवल दो सिलाई का ही डिज़ाइन है। पहली सिलाई हम बनाएंगे उल्टी तरफ से, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, इसके बाद धागा पीछे कर देंगे और जितने भी फंदे हैं हमारे इस सिलाई के, पूरी हमने सीधी सीधी बना के इसे ओवर करना है। ध्यान रखिएगा कि पहली सिलाई हम उल्टी तरफ से बनाएंगे, ठीक है, और उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं। जितने भी फंदे हैं सीधे बनाएंगे, केवल जो हमारा एस्टिच आएगा उसे हमने उल्टा बनाना है। एस्टिच यानी कि लास्ट वाला जो फंदा होता है, जो फंदा हमारा सिलाई में चला जाता है, उस फंदे को हमने केवल उल्टा बनाना है। इस पहली सिलाई में देखिए, इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। तो पहली सिलाई उल्टी तरफ से पूरा सीधा सीधा बनाएंगे। अब देखिए, दूसरी सिलाई आएगी हमारी सीधी तरफ से। डिज़ाइन की जो मेन रो है ये यही वाली है, दूसरी सिलाई। तो देखिए, पहला फंदा तो हम सीधा उतारेंगे, इसके बाद धागा आगे करेंगे, इसके बाद पांच पांच फंदों का ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर आएगा। तो इन पाँच फंदों में से दो फंदे तो हम उल्टे बना लेंगे, एक और दो। अब धागा पीछे कर देंगे। अब देखिए, एक दो और तीन, तीसरे तीन फंदों में से जो बीच वाला फंदा है, ये वाला फंदा, इस फंदे का ये वाला हिस्सा उठाएंगे नीचे वाला, और इसे हमने बिना बुने ही सिलाई पे रहने देना है। ठीक है, इस तरह से इसे रहने देंगे। इसके बाद ये जो तीन फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, एक दो और तीन। अब जो ये फंदा हमने नीचे से उठाया है, ये वाला फंदा, इसे लेंगे और इन तीनों फंदों के ऊपर से लाते हुए इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे ऐसे। तो देखिए, दो फंदे उल्टे और तीन फंदों का ये डिज़ाइन यहाँ पे, इस तरह से हमने इसे बनाना है। फिर से इन पांच फंदों को बनाना है। तो देखिए, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे कर देंगे। अब देखिए, आगे के जो ये तीन फंदे हैं, तीन फंदों में से बीच वाले फंदे का ये वाला हिस्सा हमने उठाना है सिलाई पर, और इसके बाद इन तीनों फंदों को सीधा बनाना है, एक दो और तीन। और देखिए, जो ये पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हमने नीचे से उठाया है, इसे इन तीनों फंदों के ऊपर से लाते हुए यहाँ पे इसे गिरा देंगे। ठीक है, फिर से देखिए, दो फंदे उल्टे बनाने हैं, एक और दो, धागा पीछे कर देंगे, एक दो तीन, तीन फंदों में से बीच वाला लेंगे, इसे बीच वाले फंदे का नीचे का ये वाला हिस्सा लेंगे और इसे सिलाई पे ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और तीन। फिर इस वाले फंदे को लेंगे और जो हमने नीचे से उठाया है, इसे यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसा करते करते लास्ट में दो फंदे उल्टे आएंगे और एस्टिच को हम सीधा बनाएंगे। तो दूसरी सिलाई यहाँ पे इस तरह से ओवर हो जाएगी। इन्हीं दो सिलाइयों को हमने फिर से रिपीट करना है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, पहली सिलाई सीधी उल्टी तरफ से है, जितने भी फंदे हैं सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। एक सिलाई तो हमारी बिल्कुल प्लेन प्लेन आती है, केवल दूसरी सिलाई में सीधी तरफ से जो आती है दूसरी सिलाई, उस पर ही हमने डिज़ाइन बनाना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और जल्दी जल्दी ये बनके तैयार होता है। केवल एस्टिच को हमने इस सिलाई में उल्टा बनाना है। अब देखिए, दूसरी सिलाई हम बनाएंगे सीधी तरफ से, रो टू राइट साइड। पहला फंदा सीधा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे कर देंगे। अब देखिए, इन तीन फंदों में से आगे के जो ये तीन फंदे हैं, इनमें से बीच वाला फंदा लेंगे, बीच वाले फंदे के नीचे वाला हिस्सा ये उठाएंगे और इसे बिना बुने ही सिलाई पे ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और तीन। अब इसे जो नीचे से उठाया हुआ फंदा है, इसे यहाँ पे लाके छोड़ देंगे।
ठीक है, धागा अपनी तरफ कर देंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे कर देंगे। अब देखिए पहले फंदे को छोड़ के दूसरे फंदे पे, वैसे तो ये तीन फंदों का है, तो देखिए बीच वाले फंदे का नीचे वाला हिस्सा उठा के बिना बुने सिलाई पे रहने देंगे। इसके बाद तीन फंदे सीधे बनाएंगे और इस वाले फंदे को ला करके यहाँ पे गिरा देंगे। फिर से दो फंदे उल्टे, तो दूसरी सिलाई पूरी हम इसी तरह से बनाएंगे। तीन फंदे सीधे, एक दो और तीन, और इसे यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, एस स्टिच को सीधा बनाएंगे। दूसरी सिलाई हमारी सीधी तरफ से आती है, तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन हमारा विजिबल हो गया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बहुत ही उभर के आने वाला डिज़ाइन है। जैसे जैसे हम इसे ज़्यादा बुनेंगे ना, तो देखिए इस तरह से ही हमारा आएगा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ज़रूर बनाइएगा इसे और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके स्वेटर पे डिज़ाइन कैसा लगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।